हेलो वेलकम टू पिक्के डॉट कॉम आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में सो लेट स्टार्ट इनवर्स फंक्शन क्या होता है व्हाट मींस बाय इन्वर्स फंक्शन इट्स इन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जिस तरह हमने प्रॉपर्टी या टाइप्स के बारे में पढ़ा था सो so, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी बाइजेक्शंस की बाइजेक्टिव जो फंक्शन थे उसकी प्रॉपर्टी है दैट दे हैव एन इनवर्स फंक्शन के उसका एक इन्वर्स फंक्शन होता है बाइजेक्शन uh, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था द इनवर्स फंक्शन ऑफ दाइजेक्शन एक फंक्शन uh, है A maps to B is the function, तो जो जो होगा, इसको हम uh, F और उसकी पावर है यानी इट मींस के ये इनवर्स फंक्शन है बी टू ए इधर हमारे पास ए टू बी था मैप्स टू बी तो इधर बी जो होगा सेट बी वो मैप्स करेगा ए को वि फॉर एग्जाम्पल एफ इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए वेन एवर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी अगर हमारे पास ये ओरिजिनल uh, uh, जो होगा सेट ए का कोई एलिमेंट ए एफ ऑफ ए अगर हम इनपुट दे दें तो हम हमें क्या इन मेप्स uh, करता है किसको बी को तो इसका जो अपोजिट होगा जो इनवर्स होगा वो हो क्या करेगा अगर हम इनपुट बी दे दें तो वो मेप्स करेगा किसको ए को आ, ये इसकी ग्राफिकली है ये देखें हमारे पास ये सेट ए है, और ये सेट बी है तो एफ ऑफ ए अगर हम कहते हैं कि एफ ऑफ B ये फर्ज जो एलिमेंट है एफ ऑफ बी ये B इज इक्वल टू एफ ऑफ ए तो ये इसको मैप करेगा एफ ऑफ़ ए और इसका जो इनवर्स होगा बिल्कुल अपोजिट तो इनवर्स कहते हैं अपोजिट को तो ये इसको मैप करेगा A इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ B, इसी तरह So, ये फंक्शन है एफ और ये एफ इनवर्स ठीक है तो अच्छा इसको एफ इनवर्स को आ, आप कभी जो भी जो मेथ्स में हम अक्सर हैं कि वन ओवर एफ ये इस तरह की हम इसमें नहीं ले सकते इधर जो इसकी मीनिंग है वो है सिर्फ इनवर्स की इसकी वन ओवर एफ की मीनिंग नहीं है ठीक है सो वन टू वन का रिस्पॉन्डिंग इस कॉल इन्वर्टेबल अच्छा जो भी अगर वन टू वन का रिस्पॉन्डेंस है यानी बायजेक्टिव फंक्शन है तो इसको हम कहते हैं कि ये इन्वर्टेबल है यानी ये इसका इन्वर्स अवेलेबल है बिकॉज वी कैन डिफाइन इन्वर्स फंक्शन ए फंक्शन इज नॉट इन्वर्टेबल इफ इज नॉट वन टू वन का सो पहले हाँ आपने चेक करना होगा कि ये जो फंक्शन है बाईजेक्टिव है वन वर्क वन वन करस्पॉन्डेंस है कि नहीं है अगर नहीं है तो ये इट्स नॉट इन्वर्टेबल। इसका कोई इनवर्स हम मालूम नहीं कर सकते सो एग्जाम्पल no uh, so, देखते हैं इसका जिस तरह हमने लास्ट में पढ़ा था इसके बारे में एग्जाम्पल किया था एफ ऑफ अली इज इक्वल टू पेशावर मीन के अली पिशावर में रहता है तो उसको मैप्स करेगा इसी तरह बासित कराची में सान्य इस्लामाबाद में और सलमान लाहौर में अब ये चार हमारे पास एलिमेंट है पांच बल्कि अमजेद क्वेटा में इसको आपने देखा कि ये बाइजेक्शन है कि नहीं है अब देखिए कोई रिपीटिशन है इसमें नहीं है आ, इसके जो डोमेन है ऑरेंज के बराबर है जो हमारे पास अंट था यानी सर्जेक्टिव था सो so, इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है इट कि की बाइजेक्टिव है सो क्लियरली एफ इज बाइजेक्टिव जब यह बाइजेक्टिव है तो इट मीन्स कि इसका हमारे पास इन्वर्स क्या है अवेलेबल है तो इसका इनवर्स किस तरह मालूम करते हैं एफ इनवर्स इस फंक्शन का सो so, इधर हमारे पास अली है तो इसका जो इनवर्स होगा एफ ऑफ इसको हम लेते हैं पिशावर के ये जो पिशावर है इसको इसका हम लेके इनवर्स कि ये मैप करता है किसको अली को ठीक है इसी तरह कराची बासित को मैप करेगा क्योंकि ये इनवर्स है और इसी तरह इस्लामाबाद सानिया को और लाहौर सलमान को और क्वेटा, अमजेद को तो ये इसका इनवर्स फंक्शन है कि हम इसको उल्टा करते थे ठीक है सो इन्वर्सनी पारेबल फॉर बाईजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा के कोई भी आप फंक्शन उठाकर और इसको देखें कि मैंने इसका इनवर्स मालूम करना है इससे पहले आपने इस कंडीशन को चेक करना है कि आया ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टेबल है भी कि नहीं भी नहीं है नॉट इन्वर्टेबल अगर वो नॉट इन्वर्टेबल है फॉर एग्जाम्पल इधर यह कराची रिपीट होगा जिस तरह हमने कुछ एग्जाम्पल में किया था लास्ट लेक्चर में तो उसका कोई भी क्योंकि जब उसको हम मैप करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आता है कि हम दो को हम किस तरह मैप करेंगे क्योंकि हमारे पास मेपिंग की वन ही लाइन होनी चाहिए अब अब कराची को तो हम इसमें डिस्टर्ब होंगे अगर फॉर एग्जाम्पल बासित है सलमान है लाहौर तो ये भी कराची से अगर बिलोंग करता है तो हम कहते हैं कि ये कराची का जो ये इनवर्स है इसका इसका अब बासित आएगा या सलमान आएगा तो इसमें कंफ्यूजन आता है तो इसलिए जो बाइजेक्शन है इसी ही का सिर्फ इनवर्स हो सकता है इसको हम इन कर सकते हैं या इनवर्स

मैप कर रहा है तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम नेम देते हैं ए और बी इज एफ इज इनवर्टेबल पहले आपने मालूम करना है कि ये एक इन्वर्टेबल है कि नहीं है तो इसके लिए हमने क्या करना है कि द फंक्शन टू वन कार वन टू थ्री वन टू थ्री इसमें भी तीन एलिमेंट है इसमें तीन एलिमेंट है तो कुछ, कोई भी इसको दो को वो मेप नहीं कर रहा है कोई भी एलिमेंट बी का तो इट मीन्स की ये इंजेक्टिव फंक्शन है और जो सेकंड है इसका रेंज इसके को डोमेन के बराबर है वन टू थ्री वन टू थ्री तो इट मीन्स कि ये सरजेक्टिव भी है जब ये इंजेक्टिव सरजेक्टिव तो इट मीन्स कि ये बाइजेक्टिव भी है इट मीन्स कि ये वन टू वन करस्पॉन्डिंग यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ये इन्वर्टेबल है ठीक है फर्स्ट आपने ये मालूम करना है सेकंड क्या करना है कि द इनवर्स फंक्शन एफ रिवर्स द करस्पॉन्डिंग गिवन बाई f तो इसको हमने क्योंकि ये फंक्शन जो है ये इधर से ए से बी तो है ये हमारे पास फंक्शन है तो इसका जो इनवर्स होगा वो हमने क्या करना है एल हर एलिमेंट को इधर से मैप करेगा वापस ए को तो इसको हम कहते हैं कि ये इनवर्स है तो इसको वन बाई वन करते हैं फर्स्ट जो वन है इसका इनवर्स आएगा हमारे पास सी इसी तरह सेकंड का टू का तो ये जो हमारे पास है तो इसको आप इस तरह लाइन भी लगा सकते कि ये जो वन है ये इधर से आएगा तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ टू हो गया ठीक है इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ थ्री इज इक्वल टू बी तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर ट्वीट इन बुक लेट्स एफ इज जेड टू जेड ये इंटीजर है बी साइड लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एफ इज इनवर्टेबल एंड इफ इट इज व्हाट इज इट्स इन अगर इनवर्टेबल है तो इसका इन्वर्स uh, uh, क्या होगा अब फर्स्ट अब देखिए लास्ट हमने पढ़ा था इसका कि ये अगर इंटीजर सेट है कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं है तो इन्वर्टेबल में हमारे पास बाइजेक्टिव हमने चेक करना है कि ये वन वन कारस्पांडेंस है तो इसका जो रेंज और डोमेन आता है आ, क्योंकि ये हमने एग्जाम्पल किया था इसी ही एग्जाम्पल को लास्ट लेक्चर में कि ये आन टू फंक्शन नहीं है अगर आन टू फंक्शन नहीं है इट मींस क्योंकि इसका जो रेंज है और कोडोमेन है वो बराबर नहीं है जब बराबर नहीं है तो इट मीन्स कि ये नॉट इन्वर्टेबल जब इन्वर्टेबल नहीं है नॉन इन्वर्टेबल है तो इसका कोई इन्वर्स नहीं है कंपोजिशन क्या होता है वॉट मीन्स बाई कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हमारे पास hmm. दो फंक्शन है जी ए मैप्स टू बी और एफ है सेट बी मैप्स टू सी सो डिनोटेड बाई एफ इसको हम ये स्मॉल जो सर्कल uh, है इससे हम इसको डिनोट करते हैं इट मीन्स के एफ कंपोजिशन विद जी इज डिफाइंड बाई किस तरह हम डिफाइन करते हैं एफ कंपोजिट ऑफ कंपोजिशन विद जी ऑफ ए सो इट मीन्स के ये जो फंक्शन है इस पर हम पहले फंक्शन जी को अप्लाई करते हैं और इसके बाद जो है हम फंक्शन एफ को अप्लाई करते हैं ठीक एग्जाम्पल इसको फर्स्ट फिगर से किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाद में हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब ये हमारे पास एक सेट ए है और ये सेट बी है और ये सेट सी है तीन सेट है क्योंकि इधर ए मैप्स टू बी बी अब ये जो है ये देखे ये में फंक्शन जी है क्योंकि ये मैप करता है ए टू बी और इसी तरह जो एफ है फंक्शन एफ वो मैप करता है बी टू सी एलिमेंट तो है ये हमारे पास ए फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है ए तो ये जी ऑफ ए होगा और इसी तरह F, क्योंकि ये अब अब इसको जी एफ ए जो है अब ये हमें कंप्लीट एक एलिमेंट लेते हैं जिस तरह हमने ए लिया था तो इधर जी ऑफ ए है तो इट मीन्स कि इसके जी ऑफ ए तो इस फंक्शन के अंदर ए लिखा था तो इस इस फंक्शन के अंदर पूरा हम कंप्लीट जी एफ ए लेकेंगे तो ये हमारे पास इधर मैप करेगा एफ ऑफ जी एफ ए ये जो हमारे पास आ रहा है ठीक और और है और ओवरऑल फंक्शन ये एफ कंपोजिट जी और इसी तरह हर एलिमेंट का एफ कंपोजिट जी और इसके साथ एलिमेंट लिखना, अगर एलिमेंट ए है बी है सी है कोई भी एलिमेंट है तो उसको लिखना पड़ेगा So, इसका मतलब है दिस मीन्स फर्स्ट फंक्शन जी इज अप्लाइड टू एलिमेंट ए बिलोंग टू ए जो है ये ए सी बिलोंग करता है एलिमेंट ऑफ बी फर्स्ट इसको मैप करेगा इसके बाद हम फंक्शन एफ अप्लाई करते हैं तो ये मेप करेगा सी तो को ठीक है सो दे आर फॉर द कॉम्पोजेंट फंक्शन मेप फ्रॉम ए टू सी तो ये जो लास्ट हमारे पास आ रहा था ये ए टू सी क्योंकि ये मेप कर रहा है ए टू सी ये जिस तरह चेनिंग कंडीशन हमने पढ़ा था ए टू बी बी टू सी तो ये एक कुछ चेन सा बन जाता है जो सेंटर वाला होता है वो स्केप हो जाता है तो ए टू सी ये मैप करता है एग्जाम्पल देखते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस फोर और जी एफ एक्स है अ uh, 3x सो यद्य फंक्शन है अब हम इसका काम uh, और ये है आर टू आर मींस रियल टू रियल नंबर्स के हैं सारे रियल uh, इसको इनपुट देते हैं और रियल का ही इसके साथ मैप करते हैं uh, इसका हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं कि f ऑफ कंपोजिट ऑफ g हम एक वैल्यू एज ए इनपुट देते हैं ये 5 हम देते हैं एज ए इनपुट तो इसको हम अब देखें क्योंकि ये 5 है तो इस फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं ओवरऑल जी एफ फाइव इसको एज ए इनपुट देते हैं एफ को ठीक है अब जी एफ एक्स जी एफ फाइव अगर इस फंक्शन हम एक्स दे एज ए इनपुट थ्री इन टू फाइव फाइव हो जाएगा ये फिफ्टीन आ जाएगा अब एफ एफ फिफ्टीन आएगा अब इसको हमने इधर एफ प्लग इन करना है एफ को तो एफ हमारे पास सेवन एक्स माइनस फोर है तो इस एक्स की वैल्यू हम क्या देंगे इसको फिफ्टीन तो ये सेवन एक्स माइनस फोर आ जाएगा तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें वन जीरो फाइव माइनस फोर तो ओवरऑल हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा रिजल्ट वन जीरो वन ठीक है इस फंक्शन का एफ कंपोजिट ऑफ जी ऑफ फाइव ठीक है इस function, दोनों फंक्शन को अगर हम इकट्ठा करें और इसको हम फाइव एज ए इनपुट दे इसी तरह क्योंकि रियल नंबर है आप सिक्स दे दे सेवन दे दे प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ वैल्यू दे दे इसके बाद सेकेंडली ये है कि हम इसको अगर एक एक फंक्शन अलग अलग अप्लाई करते हैं हम इन फंक्शन का इस एक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि हम डायरेक्ट कोई भी वैल्यू दे दे इनको तो इस तरह भी हम कर सकते हैं इसमें क्या होता है कि फर्स्ट आपने इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करना है तो ये एफ कंपोजिट ऑफ जी ऑफ एक्स वही जो इधर था हमने जी एफ एक्स दिया एफ दिया अब जी एफ एक्स को हमने उसका ओरिजिनल वैल्यू दिया हमने कोई अभी फाइव प्लगन नहीं किया थ्री एफ एक्स दिया अब थ्री एक्स को हम कंसीडर करते इसके बाद इज ए सेवन एक्स एक्स की जगह तो सेवन एक्स की जगह हमने थ्री तो सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेंटी वन एक्स आ जाएगा और माइनस फोर आ जाएगा अब ये फंक्शन जो है ये डायरेक्टली दोनों का कंपोजिट है अब अगर हमने फाइव इधर ये जो हमने इधर फाइव प्लग इन किया था तो इधर अगर फाइव इज ए इनपुट दे दे तो हम डायरेक्ट इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर करते कैसे ये देखें अब हमने वही जो इधर था इसको हम रिपीट कर रहे हैं इधर दोबारा के वही जवाब आता है कि नहीं एफ जी एफ एक्स ठीक है एफ हम फाइव इनपुट करते हैं अब एक्स की जगह फाइव इनपुट दे दे तो ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाई फाइव माइनस फोर तो 105 ज़ीरो माइनस फोर वही 101 आपके पास आंसर आएगा ठीक है तो ये इस फंक्शन को ओवरऑल शॉर्टकट करे तो इसके बाद ये होता है कि कोई भी वैल्यू आप जैसे इनपुट कर दें तो वो डायरेक्ट आपको इधर ही इनपुट इसकी जो आ, आ, ये मैप का होता है इसका रिजल्ट ये होता है तो हमें इंटरनल जो कैलकुलेशन होती है थोड़ा सा वो कम हो जाता है ठीक है तो दोनों का जवाब सेम आएगा तो इसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन या कंपोजिशन कंपोजिशन in अच्छा फंक्शन हम कोई कोई हो हमारे पास तो उसका जो इनवर्स होता है इन दोनों को अगर हम कंपोजिट ले ले यानी फंक्शन और उसके जो इनवर्स होगा इसका हम अगर कंपोजिशन ले लें तो हमारे पास अक्सर क्या आता है एक्स एक्स क्या है क्योंकि जो एक्स हमने इंटर किया था वही एक्स है इट मींस कि ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है क्योंकि ये जो एफ है और एफ इनवर्स है जिस तरह हमारे पास एफ और वन और एफ था तो वो कट जाते हैं तो ये दोनों जिस तरह कैंसल हो जाते हैं और हमारे पास एक्स ही वैल्यू होता है सो द कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन एंड इट्स इनवर्स इज द आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है आइडेंटिटी मीन्स के उससे वही वैल्यू आता है जो हमने हमारे पास होता इसके बाद एक फ्लोरिंग एंड सेलिंग फंक्शन मैथमेटिक्स uh, में अक्सर राउंडिंग में आता है जो हम वैल्यू राउंड करते हैं तो ये क्या करते हैं क्योंकि इसमें जो इनपुट होता है वो रियल नंबर होते हैं जो आउटपुट होता है जो मैप करता है वो जेड होते हैं इंटीजियर वैल्यू होते हैं यानी हमारे पास अगर फ्लोटिंग वैल्यू है तो उसको हमने फ्लोर या सीलिंग करना है उसको राउंड करना है तो हमारे पास इंटीजर को हमने राउंड करना है तो ये मैप्स करता है रियल नंबर को इंटीजर को ठीक है थे हम इसको देखते हैं आ, लेकिन एग्जाम्पल से पहले फ्लोर फंक्शन असाइन टू आर अब ये कोई वैल्यू है आर और इसको हमने रियल नंबर से लिया द लार्जेस्ट जेड बिलोंग्स टू जेड स्मॉल जेड वैल्यू को जाहिर करता है और बिग uh, जो कैपिटल लेटर है ये इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट करता है इस तरह ये रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है विद जेड इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू आर डी ये देखे अब ये जो सिंबल है एल की तरह दोनों साइडों से जिसको हम करते हैं कि ये हमने फ्लोरिंग करना है फ्लोरिंग मीन्स के हमने इसके फ्लोर लेवल यानी नीचे नि, फर्श लेवल पर जो वैल्यू होगा वही लेना पड़ेगा किस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 2.3. अब इस पर हमने वही सिंबल लगाया फ्लोर वाला तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 2 क्योंकि 2.3 है तो इट मीन्स कि हमने फ्लोर यानी नीचे वाला लेना है डिजिट अब इसके दो पॉसिबल डिजिट है या टू लेंगे या थ्री लेंगे क्योंकि टू इसका लोअर डिजिट है और अपर डिजिट थ्री है तो फ्लोर मीन्स कि इसका लोअर डिजिट यानी टू हमने लेना है इसी तरह टू है अगर क्योंकि इसको हम टू पॉइंट जीरो कह सकते हैं तो इसका टू अब पॉइंट फाइव है इसका अपर वैल्यू वन है और नीचे जीरो है क्योंकि ये दो इंटीजर के दरमियान है जीरो और वन तो जो लोअर फ्लोर है तो वो जीरो है इसी तरह माइनस थ्री पॉइंट फाइव अब देखिए ये माइनस फोर आता है क्योंकि माइनस है तो इसका जो लोअर है वो माइनस फोर है और अपर जो है माइनस थ्री है तो हमने लोअर लेना है फ्लोर वाला माइनस फोर इसी तरह सीलिंग जो फंक्शन होता है उसमें हमने स्मॉलेस्ट इधर हमने लार्जेस्ट लेना था ठीक है विद डिनोटेड बाई आर अब ये उसका एल है लेकिन ये ऊपर की तरफ से बंद होता है कि इसको हमने ऊपर यानी जो वैल्यू के ऊपर अगर हम इस तरह की सिंबल लगाते हैं सेलिंग का सेलिंग कहते हैं छत को आ, तो वही वैल्यू 2.3 अब ये हमारे पास राउंड आएगा 3 थी का ठीक है क्योंकि उसमें हमने अपर वाला वैल्यू लेना है छत वाला ऊपर वाला ठीक है तो इधर हमारे पास टू आता था फ्लोरिंग में और सेलिंग में थ्री आएगा इसी तरह टू का टू आएगा ये क्योंकि इधर भी टू आता है इधर भी टू क्योंकि ये फिक्स है इसका कोई अपर लिमिट नहीं है अगर पॉइंट जीरो वन होता टू पॉइंट जीरो वन फिर हम भी हम थ्री लेते थे लेकिन ये टू है एग्जैक्ट इंटीजर ऑलरेडी ये इंटीजर है तो इंटीजर का इंटीजर ही आता है अगर सीलिंग लगा दे या फ्लोरिंग लगा दे अब ये पॉइंट वन है तो इसका देखा हमने ऊपर वाला जो है सीलिंग वन इसी तरह माइनस थ्री पॉइंट फाइव का थ्री तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फ्लोरिंग और सेलिंग फंक्शन के Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.